नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति कपट या मिस रिप्रेजेंटेशन और भूल द्वारा ली गई हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 सभी करारों को संविदा घोषित करता है और इस धारा के अंतर्गत ये उल्लेख भी किया गया है कि किसी भी करार के संविदा होने के लिए स्वतंत्र सहमति एक प्रमुख गुण होता है। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति की परिभाषा प्रस्तुत की गई है, जिसमें अगर इन 5 तत्वों का समावेश पाया जाता है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। 2 तत्व के बारे में हम पहले एपिसोड में बात कर चुके हैं और अंत के 3 तत्व कपट या फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और भूल शामिल हैं, जिसके बारे में हम इस एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। अगर किसी सहमति में कपट, मिस रिप्रेजेंटेशन या भूल नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में दी गई सहमति ही स्वतंत्र सहमति होगी, और यदि इन चीजों का समावेश किसी सहमति में होता है तो वो सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 17 कपट की परिभाषा प्रस्तुत करती है, जिसके अंतर्गत मिथ्या कथन जिसका सत्य होने के रूप में सुझाव दिया गया हो वो कपट होता है। कोई भी ऐसा कार्य या लोप करना या होना जिसको लॉफुली फ्रॉड डिक्लेयर किया गया हो और जहां कपट का कार्यवाही में शामिल होना साबित कर दिया जाता है तो ऐसी संपूर्ण कार्यवाही असफल हो जाएगी और वाद और निष्पादन की कार्यवाही न केवल असफल होगी बल्कि ऐसे कपट द्वारा प्रभावित पक्षगण उसकी उपेक्षा करने के भी हकदार होंगे। अब बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 18 के अंतर्गत मिस रिप्रेजेंटेशन को परिभाषित किया गया है। किसी भी सहमति को स्वतंत्र सहमति होने के लिए उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत वो पक्ष शामिल है जो उस व्यक्ति की जानकारी से समर्थित न हो। यदि वो व्यक्ति उसकी सत्यता में विश्वास करता है और सहमति देता है, भले ही वो कपट और मिस रिप्रेजेंटेशन इन दोनों के प्रभाव के चलते किसी मिथ्या कथन पर संविदा के लिए सहमत हो जाता है। लेकिन इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि कपट में मिथ्या कथन करने वाले व्यक्ति इस बात की जानकारी से अवगत होता है कि उसका कथन जो वो कर रहा है वो मिथ्या है, यानी कथन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को उसकी असत्यता के विषय में जानकारी होती है, या कथन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति लापरवाही से कथन की सत्यता या असत्यता को जानने का प्रयास किए बिना सहमति देता है। जबकि मिथ्या या मिस रिप्रेजेंटेशन में मिथ्या कथन करने वाला व्यक्ति ये विश्वास करता है कि कथन सत्य है, यद्यपि वो कथन सत्य नहीं होता। मिस रिप्रेजेंटेशन में धोखा देने का आशय नहीं होता। थोड़ा आसान शब्दों में अगर हम कहें तो इसमें निश्चयात्मक कथन शामिल है जिसे देने वाला व्यक्ति उसकी सत्यता में विश्वास करता है लेकिन वो सत्य होता नहीं है और वो बयान देने वाले व्यक्ति की जानकारी द्वारा वो कथन समर्थित नहीं है। इस प्रकार असत्य बात को निश्चित ढंग से कहना जबकि बात कहने वाले व्यक्ति को प्राप्त सूचना द्वारा समर्थन नहीं है तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। बेहतर समझने के लिए एक प्रकरण बताते हैं। इस प्रकरण में जहां प्रतिवादी ने वादी के साथ कोई जहाज किराए पर लेने की संविदा की थी और उस संविदा के समय वादी ने कहा कि उस जहाज का वजन 28 टन से ज्यादा नहीं है, जबकि वास्तविकता में उसका वजन 30 टन से ज्यादा था। वादी को यह विश्वास था कि उस जहाज का वजन 28 टन से ज्यादा नहीं है, जबकि वास्तविक बात यह थी कि उसको उस जहाज के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। उसने तो केवल उस बात को लेकर एक धूल में लठ मार दिया। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी की सहमति मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा प्राप्त की गई थी, जिसके कारण वो संविदा शून्य करणीय है। जहां कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे के अभाव से कोई कार्य करता है और स्वयं को लाभान्वित करता है और दूसरे को हानि पहुंचाता है तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, ना कि कपट। कपट में धोखा देने का आशय होता है और कपट धोखा देने के उद्देश्य से ही किया जाता है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में धोखा देने का आशय नहीं होता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 19 के अंतर्गत परपीड़न, कपट, मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा जब किसी संविदा में सहमति प्राप्त की जाती है तो ऐसी संविदा उस पक्षकार की सहमति पर शून्य करणीय है जिससे उसकी सहमति प्राप्त की गई है। अगर भूल की बात करें तो भूल के अनेक रूप होते हैं और तथ्य संबंधी भूल को शून्य करार माना जाता है। जब भी किसी करार में कोई तथ्य संबंधी भूल होती है तो ऐसा करार शून्य हो जाता है। अब यहाँ भूल भी 2 प्रकार की होती है, एक तथ्य संबंधी भूल और दूसरी विधि संबंधी भूल। ध्यान रहे, विधि की भूल कभी
क्षम्य नहीं होती, माफी योग्य नहीं होती, जबकि तथ्य की भूल क्षमा या माफी योग्य होती है। संविदा की विषय वस्तु से संबंधित भूल की अगर बात करें तो वो अस्तित्व, हक, मूल्य, क्वालिटी या फिर मात्रा के संबंध में हो सकती है। धारा 20 के अंतर्गत कोई करार तभी शून्य घोषित किया जाएगा जब भूल संविदा के दोनों पक्षकारों से हुई और ऐसी भूल पारस्परिक भूल कहलाती है। और ऐसे केस में भूल पारस्परिक होनी चाहिए क्योंकि एक पक्षीय भूल पर्याप्त नहीं होती। और यदि संविदा का एक पक्षकार भूल के अधीन है तो धारा 20 के अंतर्गत संविदा शून्य नहीं होगी। विधि संबंधित भूल की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत विधि संबंधी भूल को क्षम्य नहीं माना जाता, क्षमा के योग्य नहीं माना जाता, माफी योग्य नहीं माना गया है। यदि कोई भूल विधि संबंधी भूल है तो ये माफी योग्य नहीं है और इसमें कोई अनुतोष या रिलीफ प्रदान नहीं किया जा सकता। देश की सामान्य विधि के अनुसार यदि कोई त्रुटि तथ्य से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में उपचार प्राप्त होगा, वो माफी योग्य होगी। लेकिन अगर भूल तथ्यात्मक ना होकर विधि से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि वो क्षम्य नहीं है और उस संदर्भ में कोई अनुतोष या रिलीफ प्रदान नहीं किया जाए।